भी अब निकलूँगा तो इसकी वजह से मेरा क्रूज कंट्रोल नहीं चलेगा। आज मम्मा पहले खड़े हो गए यहाँ पे पहले भेज दिया था ऊपर से, और टाइम है 6:47, 7 बजे मैंने पहुँचना था वहाँ पे। आ जाए गुड़िया का, क्या बोलेंगे मम्मी? भाई जालियाँ ले तो ली हैं पर ये बिखरी पड़ी हैं ऐसी गाड़ी में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। कल हमने करवा ली थी सेविंग, कभी कभी जो है लुक भी एक बार चेंज करनी चाहिए। आज हम जा रहे हैं गुड़िया के पास, और वैसे हम अपनी लैंग्वेज में लेके चले तो मंडियाली में बोलते हैं गंतरियाड़ा। पूजा की सामग्री जो है मैंने कल शाम को इकट्ठा कर ली थी, मम्मी बाहर घूम रहे, छोटा भाई बाइक निकाल रहा है यहाँ से। मम्मा का हाथ कैमरे में लग गया था और स्क्रीन ऑयली ऑयली हो गई थी, तो फुटेज में लगता है पीछे वाली मेरी खराब। हाथ लगा दिया था अपने आगे कैमरे में, अब क्या। सुबह के बज रहे हैं 6:55, हम निकल रहे हैं गुड़िया की नानी के घर। अभी तक मेरा मीटर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक चल रहा है जो मैंने इसका काम करवाया था। मुझे लगता है स्पीड सेंसर डलवाने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी बीच बीच में साथ छोड़ रहा है, तो इसका अभी पूरी टेस्टिंग चली ही हुई है अभी तक। सुबह सुबह बंदर देखो ये अपना खाना ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा और हमें खाना देगा। ऐसे देखते रहते हैं पूरा दिन भर, इनका काम क्या है? पूरी की पूरी फौज बैठी है बंदरों की। ओ भाई छोटे को बोला आगे आ जा, पीछे से धूल उड़ रही है भाई। ओ भाई उठा पड़ा है हमारा बेहतर। हेलो गुड मॉर्निंग, आज पहली बार उठी पड़ी है ना, जो कैमरा ऑन वो हिचकी लगी है। गुड मॉर्निंग, ओए होए होए, ओ बल्ले बल्ले। अच्छे से ले आए पत्ते, पत्ते ले आए। हेलो गुड मॉर्निंग, कटोरिया खाली चाहिए ना जी। एक में दूध, एक में दही कटोरी में ना जी। गड़बी एक और है, गड़बी फूल कितने प्यारे प्यारे लगे हुए। तो घर पर भी मुझे ये काम दिया जाता था, जो द्रव होती है ध्रुव, हमारे यहाँ ध्रुव बोला जाता है, ध्रुव लाने का काम। तो अभी अपन ने ध्रुव ले लिया है, तो ये पूजा की सामग्री है जो पूजा करने में काम आती है। और ओ तेरी वो भाई लंगोट लाना, बाबू दूध लग रही है, दूध यहाँ पे रख दूँ। वो इसको सुला दिया सही की। नमामि शमीशान चलो पूजा तैयार है, आ जाओ जल्दी करो पाड़ी बाबा। यार दासे ही निकल रहा है ना। दासे इसमें तो ये दासी का नाम कम ही रखते हैं। दासे तो इसमें कोई भी कुंडली बनाने वाला उसमें कोई भी अक्षर लिख देगा, बाकी अपना नाम आप लाग रख सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करना सभी देवताओं का, राम राम। फिर बाद में इसको बाहर रख लेंगे तब लग जाएगा जी। ओम Thank you.
नानी ने दे दिए, एक मासी ने दिए। अच्छा एक मासी ने, पर इसको तो पता नहीं चला। लाना मोटी चेन आई है। ठीक है जनता, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। डांस। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बाय बाय बाय। तो इस टाइम धूप रखे बहुत स्ट्रॉन्ग। ये स्टिकर मैंने यहाँ पे लगा रखा था, लास्ट टाइम दिखाया था टैंकी पे, सूट कर गया। ये क्या हुई? अच्छा दुर्वानी है बाइक भी। बाय। सवेरे हम यहाँ पे गुड़िया की नानी के घर पहुँच गए थे, 6:30 अप्रोक्स 7 बजने वाले थे, और पंडित जी भी अपने टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में पहुँच चुके थे। अपना काम जो है जल्दी जल्दी निपट गया, और थोड़ी बहुत देर हमने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम अपने ऑफिस की तरफ रुख किया है। और गाड़ी में अभी 4th गियर डला है, जो कि शिफ्टर था, अभी बीच रास्ते में इसने साथ छोड़ दिया था, बट जब इसको एक जंप लगा फिर ये चल पड़ा। इसको मुझे लगता है स्विच जो है डलवाना ही पड़ेगा। एक इतना सा सेंसर आता है वो हम डलवा देंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500-600 रुपये का सेंसर है वो। और आज सवेरे सवेरे हमने गाड़ी धोई भी नहीं है, गाड़ी हो रखी है बहुत ज़्यादा गंदी। यहाँ पे जो पेंटिंग का काम चला है वो भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो भाई अच्छी लगती है अगर दीवारें कलरफुल रहती हैं तो जब ये कलरफुल एरिया दिखता है ना, यहाँ पे शाम को फोटो खींचेंगे जिस टाइम ट्रैफिक नहीं होता। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन पेंटिंग्स को बनवा रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं ऑफिस, और भाई तिलक माथे पे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम के बाद आज इतनी पूजा पाठ किया है हमने। अभी चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आपसे शाम के टाइम, और मिलवाते हैं अपने बेबी से, और देखते हैं उसके क्या क्या रिएक्शंस हैं, और कौन कौन गेस्ट हमारे उसके नानी के घर पे आए हुए हैं। तो फिलहाल अभी ऑफिस की जद्दोजहद से निपटते हैं। ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद हालत ऐसी हो जाती है, तो पूरा इस टाइम बॉडी पेन करती है और थक जाते हैं। ये होती है भाई प्राइवेट जॉब। तो एक बार फिर से घर में सबसे पूछते हैं कि नाम उनको ठीक लगा है या नहीं, क्योंकि मैंने सवेरे जल्दी जल्दी सबको बता दिया था और उनका रिएक्शंस कुछ ऐसा ही था, डामाडोल। तो भी पूछते हैं एक बार फिर से कि नाम क्या फाइनल होना चाहिए। माता के नवरात्रे चले हुए हैं और आप श्रद्धालु देख सकते हैं, माता मनसा देवी का यहाँ पे मंदिर है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मंदिर में जा रही है भाई, और हम ही नहीं जा पा रहे। ये देखो जो गियर शिफ्टर वाला है ना, वो फिर से एन में आ चुका है। ये इस वजह से है क्योंकि मेरा जो सेंसर है डलने वाला, जो मैंने आपको सवेरे भी बताया था, अब जब इसमें झटका लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर से इसमें गियर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी टाइट सिक्योरिटी आप देख रहे हो, और ये है माता मनसा देवी के लिए एंट्रियाँ, 4-5 एंट्री है जहाँ पे आपको पुलिस ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस टाइम पे उड़दंग मचाने वाले भी ज़्यादा प्राणी आते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में जैसे जंप वगैरह लग रहा है, तो जो गियर शिफ्टर है वो शो हो रहा है कि कौन सा गियर डल रहा है। तो आप देख सकते हो अभी पीछे ऐसे गाड़ी का गियर जो बंद हो गया था, और अभी फिर से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स मेरा सेंसर ही नया डलेगा, क्योंकि वो मैसेज ECU में दे नहीं पा रहा ढंग से। आई थिंक उस ECU में ही उसका मैसेज जाता है, तो वहाँ तक उसका मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा दिमाग में झटका देना पड़ रहा है, तब जाके जो है ये वर्डिंग शो हो रही है। मेरे लिए इतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि अगर मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए अब निकलूँगा तो इसकी वजह से मेरा क्रूज़ कंट्रोल नहीं चलेगा, जो कि लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसको डलवाना पड़ेगा। इसी वजह से मेरा क्रूज़ कंट्रोल भी वर्क करेगा, और ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है ये भी वर्क करता है, तो इसका काम मुझे सेट करवाना पड़ेगा। अभी देखो फिलहाल बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कैसे दिख रहा है? क्या क्या किया आज गुड़िया ने? जब भी मैं आता हूँ ना, मुझे गुड़िया सोई हुई मिलती है, और इसका ना गियर चलता रहता है, भाई आज तो गुड़िया के पास कंगन ही कंगन हो गए, कांगड़ू। गुस्सा भी ज़्यादा करता है, गुस्सा करता है बंदरू, गुस्सा करता है। अंधेरा हो गया ना, उठना पड़ेगा इसके लिए, अब उठ जाते हैं तब जाके ये चुप हो जाता है। ये देखो इसका स्टाइल है, ये बावलाओ का स्टाइल है। 7:20 हो चुके हैं,
पूरी दिन भर की थकान और घर वापसी, अभी होगा एडिटिंग का काम रात भर, और कल से फिर से वही बिजी शेड्यूल। मेन बात फिर से वही, अब बेबी का नाम फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अद्विता जो है इनको पसंद नहीं आ रहा घर वालों में सब कोई, और इवन मुझे भी थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, तो अभी एक कोई और फिर से नाम सोच रहा हूँ मैं। भाई नाम ही सेट नहीं आ पा रहा मुझे कि नाम हम रखें क्या। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेवनिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।